बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में महसूस किए भूकंप के झटके। 6.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नेपाल में भूकंप का केंद्र था। जयपुर में भी महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकले और रात करीब 11:32 के आसपास लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ऐसे में कुछ लोग जो आधी नींद में थे वो फौरन अपने घरों से निकलकर सड़क की ओर भागे। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि भूकंप 6.4 तीव्रता का बताया जा रहा है, यानी कि अच्छी खासी तीव्रता का भूकंप आया है। और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। नेपाल में भूकंप से करीब 70 लोगों की मौत हुई, क्योंकि नेपाल केंद्र था। नेपाल में जोरदार झटके महसूस किए गए, लेकिन अलग अलग कंपन पर भूकंप का क्या असर रहता है? देखिए, जब कंपन कम होता है तो वो सिर्फ सीस्मोग्राफ से पता लगता है, फिर अगर उससे अधिक बढ़ता है तो अगर आपके पास से कोई ट्रक गुजर जाए, इतना कंपन आपको महसूस होता है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उम्मीद बढ़ती जाती है कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनमें ऊपरी मंजिलों को खासा नुकसान हो सके। जब ये 3.0 के आसपास भूकंप पहुंचता है तो फिर दीवार पर टंगे फ्रेम नीचे गिर सकते हैं। 4 से ऊपर पहुंचने पर फर्नीचर को नुकसान पहुंच सकता है। और अब आप सोचिए, ये 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आका गया था। ऐसे में इमारतों की नींव दरज सकती है इस भूकंप से। लखनऊ और पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के इलाके में अक्टूबर माह में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब 5.0 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था और अब फिर एक बार झटके महसूस किए गए हैं जयपुर में भी। हालांकि जयपुर में इतना तेज कंपन लोगों को महसूस नहीं हुआ, अधिकांश लोगों को भूकंप का अंदाजा नहीं लग सका, लेकिन जहां कंपन तेज महसूस हुआ वहां लोग अपने घरों से बाहर आ गए और फोन कर एक दूसरे से हालचाल पूछते रहे। भूकंप को लेकर देर रात तक लोगों के बीच चर्चा चलती रही, लेकिन इसी बीच अफरा तफरी का माहौल भी।
बताया जा रहा है कि भूकंप के दौरान धरती करीब एक मिनट तक हिलती रही। कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। हरियाणा में भी धरती कांपी है और पूरा उत्तर भारत, देखिए उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उत्तर भारत से भी आगे कुछ कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए अगर रिक्टर स्केल की बात करें, भूकंप और रिक्टर स्केल, तो फिर इसका खास प्रभाव पड़ता है। जब शून्य के करीब होता है तो फिर सीस्मोग्राफ से पता चलता है। जैसे जैसे रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उससे होने वाले नुकसान की आशंका भी बढ़ती जाती है। रिक्टर स्केल का भूकंप को नापने में उपयोग किया जाता है, देखिए अमूमन।